नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सातारा के स्पेशल कंदी पेड़े। ये पेड़े सातारा के महाराष्ट्र के सातारा जिले में मिलते हैं। वो बहुत टेस्टी लगते हैं, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर भी अच्छा होता है, उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं होते बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आज हम वो 10 मिनट में बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है, एक नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, उसमें खोया डाला है। खोया जो है मैंने हाथ से ही थोड़ा सा उसको मसल लिया है और वो मैंने नॉनस्टिक में डाल दिया है। एक 2 मिनट उसको अच्छे से कढ़ाई में गरम कर लो और उसके बाद उसमें शक्कर डालना है। शक्कर मुझे जितना खोया है उसका 1/4 डालना है, यानी मेरी 2 कटोरी खोया था तो मैंने 1/4 कटोरी उसमें शक्कर डाला है। शक्कर डालने के बाद उसको पानी छूटेगा। अभी गैस की पावर मीडियम रखेंगे तो भी चलेगा। तो अभी इसमें मुझे कॉन्स्टेंटली हिलाते वक्त वहाँ ही खड़ा रहना है। अभी ये शक्कर का पानी छूटेगा और ये पानी पूरा इसका कलर चेंज होने तक हमें हिलाते रहना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी छूट रहा है मेरे और अभी मैं ये कॉन्स्टेंटली हिला रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपके मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखते हैं अभी रेसिपी में मेरे जो मिश्रण था, शक्कर और खोया, उसका मिश्रण जो है ना, वो देखिए वो एकदम पतला सा हो गया है, लेकिन उसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना है। अभी हमें पूरा ध्यान इस पर ही कंसंट्रेट करना है। इसको जरा सा मस्त हल्का येल्लो कलर आ जाए, इसका गोला बन जाए, तभी हमें गैस की फ्लेम जो है ना वो ऑफ करनी है। तो मैं हिला रही हूँ अच्छे से कॉन्स्टेंटली। तो आप देख सकते हैं मिश्रण जो है हमारा वो अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी गाढ़ा होते वक्त देखना है हल्का येल्लो कलर आ जाए और मिश्रण का एक गोला बन जाए, तबे हमें तुरंत ही गैस की जो फ्लेम है वो ऑफ करना है। अभी देखो मेरे जो मिश्रण है उसका एक गोला बनना शुरू हो गया है और कलर भी येल्लोइश आ गया है। तो गैस की पावर तुरंत बंद करनी है, नहीं तो क्या होगा, आपका जो पेड़ा है वो ज़्यादा कैरमलाइज हो जाएगा और वो चीवी हो जाएगा, एक चिकट पेड़ा तैयार हो जाएगा, यानी उसका टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो तुरंत येल्लो रहेगा तभी निकाल लो उसको। निकालने के बाद एक प्लेट में रखो, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको ढक के 4 से 5 घंटे कम से कम रखना है और उसके बाद ही इसके पेड़े बनाना है, नहीं तो क्या हो गया, आपके पेड़े है ना वो चिकट लगेंगे। 4 से 5 घंटे रखना बहुत जरूरी है इसको, इवन ओवरनाइट रखा ना तो भी अच्छा है। तो देखो 4 से 5 घंटों के बाद मेरे मिश्रण के मैं पेड़े बना रही हूँ। अभी ये सारे पेड़े तैयार हैं। अभी फेस्टिवल सीजन है तो आप घर पे जरूर बनाना कंदी पेड़े, टेस्ट में भी अच्छे है। घर पे बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आता है, कॉस्ट भी उसका बहुत कम होता है। तो घर पे जरूर बनाना कंदी पेड़े। थैंक यू।